सौ में लगा धागा, चोर निकल के भागा। कहां भागा? यहां भागा, वहां भागा, ऊपर भागा, नीचे भागा, दाएं भागा, बाएं भागा, तुम में भागा या मुझ में भागा? अरे कौन था वो जो भागा और क्यों भागा? तुम्हें दिखा नहीं ना? अरे आंखें हैं पर वो दिखता नहीं है। चलो मैं दिखाता हूं। आंखें है तो देखो, कान है तो सुनो। अरे देखो देखो कौन है वो चोर है, ये मेंटल ट्रॉमा। नहीं समझ आया ना? आओ एक कहानी दिखाता हूं, आओ। अरे कावे बेटा इधर आओ, तुम्हारा रिजल्ट आने वाला था ना आज। हाँ जी पापा, वो शाम तक शायद। शाम तक? तुम्हें नहीं पता क्या कब आएगा रिजल्ट? नहीं पापा, मैं श्योर नहीं हूँ। चलो कोई बात नहीं, अपना रोल नंबर दे दो, मैं चेक करके बता दूंगा। मैं चेक कर लूंगी ना, मैं आपको बता दूंगी। मैंने कहा ना, मुझे अपना रोल नंबर दे दो, मैं चेक करके बता दूंगा। पर पापा, अच्छा मैं आपको भेज देती हूँ। अरे ये क्या, तुम्हारा रिजल्ट तो आ गया बेटा, आओ देखते हैं। ये क्या है? सिर्फ 74%? इसकी वजह से तुम्हें इतने अच्छे कॉलेज में डाला है? पूरे दिन फोन और लैपटॉप पे घुसे रहते हो, करते क्या हो? पढ़ाई लिखाई नहीं करनी? और कोई बहाना बना लो, बना लो, बना लो। हाँ बहुत कोशिश कर ली भाई, धन्य हो गए हम तो। थैंक यू, पिछली बार 70% थे, इस बार 74 है, बहुत इम्प्रूवमेंट है। शाबाश बेटा, थैंक यू बेटा। अरे क्या हुआ, कितना डांटोगे बेचारी बच्ची को? बेचारी? ये बेचारी है, 74% नंबर लाई है ये सिर्फ। मेरी इज्जत क्या रह गई है अब समाज में? गुस्सा करने से क्या होगा, प्यार से समझाएंगे ना। हाँ हाँ, तुम्हारे लाड़ प्यार नहीं बिगाड़ रखा है उसको, सर पे चढ़ चुकी है वो। देखो ये बातें चलती रहेगी, आज राघव इतने टाइम बाद घर आ रहा है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। घर का माहौल ठीक करो और आप जाइए पनीर लेके आइए, मुझे पनीर की सब्जी बनानी है। मम्मी खाने में क्या बनाया है? पनीर की सब्जी। पनीर की सब्जी लाओ, खिलाओ फिर। अभी नहीं, भैया आ रहे हैं ना, वो जब आएंगे तब साथ में खाते हैं। अबे भैया को ही खिला दो आप सब। अरे नेहा देखो, तुम्हारा लाडला राघव आ गया। आ गया मेरा बेटा, खुश रहे। कैसा है? मम्मी नमस्ते, और तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? अरे काव्या का है, काव्या दिखनी नहीं गई। अरे होगी अपने रूम में, फोन चला रही होगी। तू एक काम कर, जाके हाथ मुंह धो ले, मैंने तेरी फेवरेट पनीर की सब्जी बनाई है। एक काम करता हूँ मैं, 2 मिनट बाद। अरे क्या हुआ, अपने बड़े भाई के लिए गेट भी नहीं खोलेगी क्या? अरे भैया आप आ गए? हाँ हाँ आ गया। अरे एक बात बता, मैं बड़ी देर से तेरे नीचे वेट कर रहा था, तू आई क्यों नहीं? अरे भैया बस वो। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ भैया, वो बस मेरा सर दुख रहा था। आप मेरा छोड़िए, आप बताइए इतने टाइम बाद आए, आप कैसे हैं? या बस थोड़ा सा अपसेट हुआ और कुछ नहीं। अपसेट? हाँ क्यों भैया? यार मुझे ऐसा लग रहा है मेरी छोटी बहन ना मुझसे बातें छुपा रही है। अरे तुझे बचपन से जानता हूँ, तेरी शक्ल देख के पता चल जाता है कि तू कुछ छुपा रही है कि नहीं छुपा रही। काव्या काव्या क्या हुआ? काव्या क्या हुआ? काव्या बात कर ना मेरे से। इधर क्या हुआ, क्या हुआ? I can't do this anymore. You can't do what? Just existing. मुझे समझ नहीं आता मैं कहाँ जाऊँ। बाहर जाती हूँ तो ऐसा लगता है पूरी दुनिया मुझे सताने की कोशिश कर रही है, और घर आती हूँ तो रोज के नए कलेश। अरे थक गई हूँ मैं मम्मा पापा के ताने सुन सुन के। भैया आप तो बाहर रहते हैं ना, आपको तो पता होगा ना कि घर आने वाली फीलिंग क्या होती है। अरे मैं तो घर में रहती हूँ यार, फिर भी घर जैसा नहीं लगता। I don't even know where my home is anymore.
बस शांत हो जा, शांत हो जा। सुन, तूने ये बोला तुझे अच्छा लगा ना? अच्छा लगा यार, लेकिन तू मेरे को हर बात बता नहीं सकती ना। मैं तो 3 दिन बाद वापस चला जाऊंगा। मेरी बात मान, आई थिंक यू शुड कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट। चल पहले वो छोड़, तू खड़ी हो, खड़ी हो, पहले मुंह धो क्या अपन ना, पहले चलेंगे खाना वाना खाएंगे फिर, ठीक है? चल काफिया, इसके पास मत जाना। छोड़ो मुझे, लोग तुझे पागल कहेंगे। तुम मेरे दोस्त नहीं हो। क्यों? जब पापा डांटते तब मैं तेरे साथ रहता हूँ ना। अगर पापा को पता चल गया कि उनकी बेटी साइकियाट्रिस्ट के पास जा रही है। मेरे पापा को मत बताना। तो नहीं बताऊंगा, पर ये दुनिया तो बता ही देगी। हेलो काव्या, कैसी हो? हेलो डॉक्टर, कैसे हो? बस बैठो बैठो। हाँ बताओ काव्या, क्या प्रॉब्लम? वो डॉक्टर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस मेरी दोस्त है ना, उसको ना आने से डर लग रहा था, तो मैंने सोचा मैं आके। अच्छा, तो क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी दोस्त को, ये बताओ। डॉक्टर, मेरी दोस्त ने ना शायद हंसना ही बंद कर दिया है, ना जाने उसके दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। ऐसा लगता है कि वो चीख चीख के सबको बताना चाहती है कि वो परेशान है, पर फिर भी चुप सी गुमसुम सी रहती है। वो कुछ भी बोलने से या करने से डरने लगी है, डरती है कि शायद उससे हो ही नहीं पाएगा, और उसको लगता है कि पूरी दुनिया उससे आगे निकल जाएगी और वो पीछे अकेले की अकेली रह जाएगी। ओके। वैसे तुम्हारे भैया बता रहे थे कि तुम्हें घर पे चिया बुलाते हैं, तो चलो मैं तुम्हें एक चिड़िया की कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। एक बार ना एक चिड़िया के घोंसले में पता नहीं कैसे पर एक कछुए का अंडा आ जाता है। उसे पता है कि उसका अंडा नहीं है, ये पता होने के बावजूद वो बिना किसी भेदभाव के सभी अंडों का बराबरी से पालन पोषण करती है। फिर कुछ समय बीतता है, धीरे धीरे उन अंडों में से बच्चे निकलते हैं और उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस थे, विच इज क्वाइट नेचुरल। फिर थोड़ा और समय गुजरता है, अपनी माँ को देखकर वो बच्चे उड़ने की कोशिश करते हैं, सब थोड़ा थोड़ा उड़ते हैं, कोई ज्यादा ऊंचा उड़ता है, कोई थोड़ा सा उड़ता है, पर उनके अंदर ना एक नन्हा सा कछुआ उड़ने की कोशिश कर रहा था पर उड़ नहीं पाया। उन सबको देखकर वो निराश हो गया था, खुद को कोसने लगा और उसे लगता था कि वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो उड़ नहीं सकता, और ये सब उसकी माँ उसे देख रही थी। वो उसके पास जाती है और कहती है कि जरूरी नहीं है ना कि अगर पूरी दुनिया उड़ रही है तो तुम्हें भी उड़ना है, उड़ना उनकी खूबी है, तुम्हारी खूबी कुछ और हो सकती है, हो सकता है तुम पानी में अच्छे से तैर सको, वो सभी चिड़िया नहीं कर पाती। दुनिया में ना बहुत तरह के लोग हैं, अगर उन सब से कंपैरिजन करके तुम खुद को छोटा समझोगे तो दैट विल बी नॉट राइट। सबके अंदर अपनी यूनिकनेस है, समझी? और हाँ, ये कहानी अपनी उस दोस्त को जरूर सुनाना, ठीक है? नेहा, नेहा कहाँ तुम? अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हें पता है तुम्हारी लड़की ने क्या किया? पागलों के डॉक्टर के पास गई थी, पागलों के डॉक्टर के पास। ना मार्क्स ला रही है, ना कुछ भी भला कर रही है, ये लड़की तो मेरे सर पड़ गई है। आप शांत हो जाइए, हम काव्या से बात करेंगे, उसे क्या प्रॉब्लम है, अब बात करेंगे। बात करेंगे? क्या बात करेंगे? क्या बात करनी है तुझे? क्या बात करनी है बता, क्या बात करेगी तू? डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट यू हैव डन? एनी आइडिया? लाडो,
आओ कुछ बात करें। वो बात जो मेरे घर वालों ने करी होती तो मेरी बहन को मेरा उसका घर नहीं छोड़ना पड़ता और इस जालिम दुनिया में अकेला नहीं रहना पड़ता। अरे 21वीं सदी है, अगर तुम्हें आज के टाइम में मेंटल ट्रॉमा के बारे में बात करना एक स्टिग्मा लगता है तो डॉक्टर की जरूरत मेरी बहन को नहीं तुम सबको है। मेंटल हेल्थ के बारे में बातें करो ताकि मेरी बहन जैसे और कोई लड़की या लड़का अपना घर छोड़ के ना जाए।